हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2013 में रिलीज हुई अमेरिकन थ्रिलर फिल्म क्रश के बारे में, जिसे मलिक बेडर ने डायरेक्ट किया था। ये एक डायरेक्ट टू वीडियो रिलीज मूवी थी। डायरेक्ट टू वीडियो रिलीज वो फिल्में होती हैं जिन्हें बड़े पर्दे पर नहीं बल्कि डीवीडीज में लॉन्च किया जाता है। ये बहुत कम बजट में तैयार हो गई थी और इसने वर्ल्ड वाइड $8 मिलियन की कमाई की थी। बाकी अगर बात करें क्रिटिक्स की तो इसे मिक्सा रिस्पॉन्स मिला था। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम दो बच्चों को देखते हैं, जिसमें छोटा लड़का अपनी फ्रेंड को कहता है कि मैंने एक लड़की को किस किया। ये सुनते ही वो लड़की गुस्से से भर जाती है और जेलिसी के मारे उस छोटे लड़के को छत से गिरा देती है, जिससे वो लड़का छत से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। अब ये लड़की कौन होती है और इसने ऐसा क्यों किया, ये हमें बाद में पता चलेगा। अब समय कुछ आगे निकलता है और कुछ सालों बाद हम देखते हैं स्कॉट को। स्कॉट एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट और सॉकर का अच्छा प्लेयर होता है। वो अपने क्लासमेट्स में अपनी गेम की वजह से बहुत पॉपुलर होता है, जिसमें वो अपनी जी जान लगा देता है ताकि वो स्कॉलरशिप हासिल कर सके। अब ऐसे ही एक दिन गेम जीतने के बाद उसके दोस्त उसे पार्टी के लिए इन्वाइट करते हैं। यहाँ वो अपनी दोस्त जूल्स से मिलता है। जूल्स उसे मन ही मन पसंद करती है पर कभी उससे बताती नहीं। अब यहाँ दोनों जब एक दूसरे को किस करते हैं तो उसकी क्लासमेट बेस उन्हें चुप कर देखती है। दरअसल बेस एक बहुत ही शर्मीली लड़की होती है जो बस अपने आप में ही रहती है। वो ना किसी से ज्यादा बात करती और ना किसी से मिलना पसंद करती। हाँ, पर वो भी स्कॉट की दीवानी होती है और उसने अपने घर में स्कॉट की बहुत सारी फोटोग्राफ्स लगाई होती हैं, जिससे ये पता चलता था कि वो स्कॉट को बहुत चाहती थी। खैर, यहाँ एक फ्रेंडली रेस के दौरान स्कॉट का घुटना जख्मी हो जाता है और उसे चोट लग जाती है, पर वो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि स्कॉट अपने पिता के साथ रहता है, पर उसका पिता काम के सिलसिले में उसे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता, इसीलिए ज्यादातर वो अपने पिता से नाराज ही रहता है। अब अगले सीन में आर्ट की क्लास में स्कॉट पेपर पे कुछ ड्राइंग करके बाद में उसे डस्टबिन में फेंक देता है, जिसे बेस उठा लेती है। एक्चुअली स्कॉट आर्ट में भी बहुत अच्छा था और ड्राइंग करना उसकी हॉबी थी, पर इस हॉबी के बारे में स्कूल में किसी को पता नहीं होता। आगे उसे अपने लॉकर में किसी अनजान शख्स का खत मिलता है जिसमें वो उसे एडमायर कर रहा था। अब स्कूल में वो इतना पॉपुलर था कि ये उसके लिए बहुत एक आम बात थी, तो वो इसे इग्नोर कर देता है। अब आगे हम देखते हैं कि बेस एक म्यूजिक शॉप में काम करती है, जहां उसका क्लासमेट जेफरी अक्सर उसे चोरी छिपे देखा करता था। जैसे बेस चोरी छिपे स्कॉट को एडमायर करती है, वैसे ही जेफरी बेस को एडमायर करता था, पर बेस को जेफरी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। अब अगले कुछ सीन्स में बेस स्कॉट को फॉलो करती नजर आती है। उधर जूल्स भी स्कॉट से मिलने उसके घर आती है और उसके साथ रोमांटिक फीलिंग्स शेयर करती है, पर इससे पहले बात आगे बढ़ती स्कॉट उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनकर रहना चाहता हूँ, ना कि लवर। तो जूल्स भी उसके फैसले की रिस्पेक्ट करती है और वहां से चली जाती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो हम देखते हैं कि कोई चुपके से उसका पीछा कर रहा था। अब ये कौन था ये हमें बाद में पता चलेगा। उधर जेफरी भी बेस को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसे पेन ड्राइव में कुछ फेवरेट सॉन्ग्स डालकर देता है, पर बेस उसे ज्यादा भाव नहीं देती क्योंकि उसका इंटरेस्ट स्कॉट में ज्यादा होता है। और यहाँ वो बार बार उसकी और जूल्स की फेसबुक प्रोफाइल चेक करती रहती है और फाइनली हिम्मत जुटाकर उससे मिलने का प्लान बनाती है और उसके ड्रॉअर में एक लेटर छोड़ाती है जिसमें जगह और टाइम होता है। अब अगले कुछ सीन्स में ऐसा लगता है जैसे कोई स्कॉट पे नजर रख रहा हो और लगातार उसका पीछा कर रहा हो, पर हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता। अब बेस स्कॉट से मिलने जाती है, पर बहुत टाइम वेट करने के बाद भी स्कॉट नहीं आता तो बेस गुस्से से भर जाती है और जो कपड़े पहनकर उससे मिलने आती है वो जला देती है। अब एक दिन जॉगिंग करते वक्त बेस जानबूझकर स्कॉट से जा टकराती है और दोनों पहली बार एक दूसरे से फेस टू फेस मिलते हैं, पर अपने शर्मीलेपन की वजह से बेस स्कॉट से ज्यादा बात नहीं कर पाती और ख्यालों में उसके साथ थिएटर जाने के बारे में सोचती है, पर एक्चुअल में स्कॉट जूल्स के साथ थिएटर जाता है। और रात को सोते वक्त कोई उसके कमरे में आ जाता है जो काफी देर से उसके रूम में ही छुपा था, कोई उसका सीक्रेट एडमायरर जो उसे पाना चाहता था, पर बिना नुकसान पहुंचाए वहां से चला जाता है। अब अगले सीन में जूल स्कॉट को अपने घर बुलाती है क्योंकि उसकी खिड़की पे लिखा होता है ही इज माइन, पर स्कॉट को लगता है कि शायद जूल्स ने उसके साथ ये शरारत की है और उसने खुद वो लिखा है, और इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। आगे एक कॉफी शॉप में स्कॉट की टीचर मिसेस ब्राउन उसके साथ फ्लर्ट करती है, जिसे पास ही बैठी बेस देख लेती है और जाते वक्त कुछ ऐसा कह देती है जिससे स्कॉट को अंदाजा हो जाता है कि वो अनजान शख्स जो उसे लेटर्स लिखता है और जिसने जूल्स की खिड़की पे वो लिखा वो बेस ही है। तो वो उसे खुद से दूर रहने को कहता है। बेचारी बेस का दिल टूट जाता है। इस सीन के बाद कोई अनजान शख्स मिसेस ब्राउन पे हमला कर देता है जिसमें वो सीरियसली इंजर्ड हो जाती है, पर हमला करने वाले का कुछ पता नहीं चलता।
फिर अगले सीन में वो अनजान शख्स स्कॉट के फोन से जूल्स की आपत्तिजनक फोटो वायरल कर देता है जो जूल्स ने खुद ही स्कॉट को सेंड की थी। जब स्कॉट को पता चलता है तो उसका शक बेस पे जाता है, तो वो उसे पूछने जाता है और उस पे चिल्लाता है। वहां जेफरी बेस को बचाने आता है और स्कॉट का गुस्सा उस पे निकल जाता है। अब स्कॉट माफी मांगने जूल्स के पास आता है पर जूल्स गुस्से में वहां से चली जाती है। अब यहाँ एक पार्टी के दौरान जूल्स गुस्से में बहुत शराब पी लेती है और बेहोशी की हालत में एक कमरे में जाकर लेट जाती है। अब यहाँ वही अनजान शख्स जूल्स को मारने की कोशिश करता है और एक तरह से मार ही देता है, पर लकीली वो बच जाती है और सारी बात स्कॉट को बताती है। तो स्कॉट सोचता है कि जरूर ये बैस ने ही किया होगा, तो वो उसे पुलिस में कंप्लेंट करने को कहता है, पर जूल्स कहती है कि उस दौरान वो नशे में थी तो पुलिस उसकी बात को सच नहीं मानेगी। तो स्कॉट उसे उसके घर छोड़ने के बाद अपने घर के लिए रवाना हो जाता है, पर रास्ते में अचानक बेस की कोवर्कर एंडी से जाट कराता है जो साइकिल पे जा रही थी। एंडी को घुटने पे काफी चोट आती है और उसकी साइकिल भी टूट जाती है, तो वो उसे हेल्प करने के लिए उसे घर छोड़ने जाता है जहां वो उसके जख्म की मरहम पट्टी करता है। पर यहां एंडी बहुत ही अजीब बिहेव करती है और फिर मौका पाकर उसे बेहोश कर देती है। अब यहाँ पे ये रिवील होता है कि स्कॉट की सीक्रेट एडमायरर बेस नहीं बल्कि एंडी ही होती है और वो उसे हर जगह फॉलो करती थी। अब यहाँ फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वो जानबूझकर अपने घुटने को जख्मी करती है ताकि स्कॉट उसे घर छोड़ने आए। वही होती है जो उसके टीचर मिसेस ब्राउन पे हमला करती है, वही होती है जो जूल्स की फोटोग्राफ्स वायरल करती है और वही होती है जो जूल्स पे हमला करती है। वो कोई और नहीं बल्कि एंडी ही होती है। उसके लिए स्कॉट को पाना ही एक मकसद बन चुका था और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, तो वो उसे बेहोश करके अपने बेसमेंट में छुपा देती है। कुछ देर बाद स्कॉट को होश आता है तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है पर एंडी उसे सीढ़ियों से गिरा देती है और उसके जख्मी घुटने पे मारती है जिससे वो दर्द से चिल्ला उठता है। यहां एंडी उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। उधर जेफरी फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाने बेस के पास जाता है पर बेस कहती है कि एक शर्त पे उसकी दोस्त बनेगी कि अगर वो उसे फॉलो करना बंद कर दे तो जेफरी मान जाता है। अब अगली सुबह एंडी कुछ सामान लेने म्यूजिक शॉप पे जाती है। यहाँ बेस पहले से मौजूद होती है तो वो आपस में कुछ इमोशनल फीलिंग्स शेयर करते हैं और एंडी बेस को कहती है कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं घर पे ही मिलूंगी और वहां से चली जाती है। इधर घर पे रेडी होकर एंडी स्कॉट से मिलने जाती है जिसे अब होश आ चुका था कि तभी दरवाजे पे उसका बॉस डेविड आ जाता है। एक्चुअली डेविड एंडी को पसंद करता था और उसके साथ शादी करना चाहता था पर एंडी के इरादे कुछ और ही होते हैं और यहाँ वो डेविड का खून कर देती है और फिर हाथ में खून से सना चाकू लेकर स्कॉट के पास जाती है और उसे अपनी ड्राइंग बनाने को कहती है। चूंकि वो स्कॉट की सीक्रेट एडमायरर थी तो उसे स्कॉट के बारे में सब कुछ पता था, तो वो स्कॉट को फोर्स करती है अपनी ड्राइंग बनाने के लिए पर स्कॉट मना कर देता है और दोबारा वहां से भागने की नाकाम कोशिश करता है पर असफल रहता है। तो एंडी उसे एक डील करती है कि अगर वो उसकी ड्राइंग बनाए तो उसे जाने देगी, तो इसी बात पे स्कॉट ड्राइंग बनाने के लिए मान जाता है। उधर बेस को ये समझ आ जाता है कि स्कॉट उसके बस का नहीं, तो वो उससे रिलेटेड हर एक याद मिटा देती है जैसे फोटोग्राफ्स, न्यूज आर्टिकल, सबको जला देती है और फाइनली उसे अपनी फ्रेंड लिस्ट से भी हटा देती है। अब चूंकि उसका दिल टूटा होता है तो वो अपना दर्द शेयर करने के लिए एंडी के पास जाती है। यहाँ जेफरी उसे छुपकर देख रहा होता है तो वो भी उसके पीछे चल देता है। इधर कुछ ही समय में स्कॉट एंडी की ड्राइंग बना देता है पर एंडी का इससे दिल नहीं भरता और वो ड्राइंग फाड़ देती है और उसे दोबारा बनाने को कहती है। तो स्कॉट के हाथ में पेंसिल होती है जिसे वो एंडी की टांग में घुसा देता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है और बाहर की तरफ भागता है। इतने में बेस वहां आ जाती है और स्कॉट की ऐसी हालत देखकर उसकी मदद करने लगती है पर तभी एंडी उस पे हमला कर देती है और उसे मारने ही वाली होती है कि जेफरी वहां आ जाता है और उसे बचाता है। झड़प के दौरान स्कॉट किक मारकर एंडी को बेसमेंट में गिरा देता है और बाहर से वो दरवाजा लॉक कर देते हैं। अब मूवी यहाँ कट हो जाती है और समय कुछ आगे निकलता है और बेस और जेफरी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ऐसे ही स्कॉट और जूल्स भी रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जख्मी टांग की वजह से स्कॉट सॉकर नहीं खेल पाता पर अपनी आर्ट में हॉबी होने के कारण वो एक आर्ट स्कूल में अप्लाई कर देता है। अब लास्ट में एंडी को मिलने उसका अटॉर्नी मिस्टर ग्रहम आता है जो उसे उसके द्वारा मारे गए लोगों का कच्चा चिट्ठा बताता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जिस छोटी बच्ची ने जालेसी के मारे छोटे लड़के को छत से गिराकर मारा होता है वो कोई और नहीं बल्कि एंडी ही होती है। एक्चुअली एंडी कुछ साइको किस्म की होती है, उसे जो चाहिए होता है वो हासिल करके ही रहती है। पर लास्ट में हम देखते हैं कि स्कॉट के प्रति उसकी दीवानगी उसे सलाखों के पीछे ले आती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।